हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आपको बताया था, मैंने अपडेट दी हुई थी कि अगस्त के पहले ही सप्ताह में पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं और इस ऑनलाइन आवेदन के बाद में परीक्षा कब होगी और इससे पहले 2022 की परीक्षा जो लोग दे चुके हैं इनका स्कोर कार्ड कब तक काम करेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और परीक्षा आपकी 2023 में ऑनलाइन होगी या लिखित होगी ये भी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग की जानकारी नहीं होती है वो भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, यानी फुल डिटेल आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ यूपी पेट के लिए आपकी जो क्लासें हैं वो शुरू हो रही हैं, तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें। 2024 में आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलने वाली हैं, तो ये 2023 का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी होगी। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। पहले नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 1 तारीख से आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद में ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 तारीख। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, ठीक है ना। चलिए बाकी यहाँ पर आगे हम लोग जानकारी जरूरी वाली केवल आपको यहाँ पर जो जानकारी होनी चाहिए वो समझ लीजिए कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ये ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी जो अवधि होती है वो ना 1 वर्ष के लिए होती है। इसकी जो अवधि होती है वो 1 वर्ष के लिए होती है। अब जैसे बात करें जिन लोगों ने 2022 की परीक्षा दी हुई थी और इसका रिजल्ट आया था 25/1/2023 को, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ज़रूरी बात है ये, 25/1/2023 को आया हुआ था। तो यहाँ पर ये कब तक प्रभावी रहेगा, मतलब ये कब तक आप 2022 के अनुसार चुने जाएंगे, तो 2022 का जो रिज़ल्ट है इसके अनुसार आप 24/1/2024 तक जो भी भर्ती आएगी उसमें शॉर्टलिस्टेड आप होंगे 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में यानी ये समझ लीजिए कि 25 जनवरी 2024 के बाद में जो भी भर्ती आएगी वो 2023 के परिणाम के अनुसार होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे भाई कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 10th पास आप होने चाहिए। 10th पास होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। 10th पास हैं और साथ ही साथ आपकी जो आयु है वो 18 से मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये फीस आपको सबमिट करनी है विथ टैक्स के अनुसार, तो जो OBC और जनरल स्टूडेंट हैं उनको 185 रुपये और SC ST को 95 रुपये, उसके बाद में जो हैंडीकैप हैं उनको 25 रुपये फ़ीस पे करनी है, ठीक है ना। इसके बाद में शैक्षिक योग्यता के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हाई स्कूल आप पास होने चाहिए, ठीक है। आयु सीमा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो आयु में छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। अब बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि भाई निगेटिव मार्किंग परीक्षा में कितनी रहेगी, तो निगेटिव ये सारा देखिए सिलेबस है, सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर रहेगी 1/4, मतलब 4